आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ औरैया के ग्राम प्रधान प्रकाश चंद्र यादव आगामी चुनावों में सपा की तैयारियों और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पुलिस विभाग में सेवा देने के बाद जब आप रिटायर हुए तो राजनीति में आने का मन कैसे बना? ऐसा है, हम लोग पुलिस में भी रह के समाज सेवा किए और जनता की सेवा किए लगातार और लगातार जनसंपर्क रहे हैं। तो जब रिटायर होके आए, इससे पूर्व में भी हमारी मिसेज जो है वो लगातार प्रधान रही है, तो समाज सेवा से तो हम लगातार जुड़े रहे हैं। हमारे ताऊ चाचा वगैरह सभी ग्राम प्रधान रहे हैं, तो लगातार समाज सेवा से हम लोग बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और जब मैं रिटायर्ड होके आया तो मैं घर पे आकर के हमने देखा है कि समाज सेवा में जो आनंद आ रहा है वो और कहीं नहीं है, इसलिए मैं जनता की सेवा में जुड़ गया। तो कितने समय तक आपने पुलिस विभाग में अपनी सेवा दी है और कितने कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने 40 साल पुलिस विभाग में सेवा की है जी। और 19 में मैं रिटायर्ड होके आया और विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंतर्गत ही हमने अपना राजनीतिक जो सफर था वो शुरू किया। तुरंत ही आते शुरू कर दिया, तो 1 साल के अंदर हमने बड़ा अच्छा उपलब्धि हासिल हुई मुझे और जनता ने बड़ा प्यार दिया जी। और जनता का आज भी मुझे बड़ा समर्थन मिल रहा है, बहुत अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है जी। तो आपकी मुख्य प्रेरणा क्या रही थी राजनीति में आने की? क्या आपने पुलिस विभाग में रहते ही सोच लिया था कि मैं रिटायर होने के बाद राजनीति में जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं रिटायर्ड होके आया मैम, तो यहाँ आके लोगों की इतनी समस्याएं आई मेरे पास जी। लोग लगातार जुड़ते रहे और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा, तो मुझे खुद अच्छा लगा कि समाज में रहकर अगर सेवा की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारे गांव की जनता है, क्षेत्र की जनता है, उनकी मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिन पे यहाँ कोई आदमी ऐसा था नहीं जिसको वो कर सके, समस्या समाधान कर सके। तो हमसे लगातार जुड़ते रहे लोग, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती रही और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता गया, इसी के साथ एक समाज सेवा में लगातार जुड़ गया जी। समाज सेवा तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन सपा से जुड़ने का क्या मकसद है? उनकी कौन सी विचारधारा आपको पसंद आई कि बाकी पार्टियों को ना चुन के आपने सपा को चुना? देखिए मैम, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है शुरू से ही बहुत अच्छी है। माननीय नेता जी हमारे जो है मुलायम सिंह जी, उनसे मैं बहुत ही प्रेरणा लिया हूँ कई चीजों पे, कि उन्होंने जब भी कोई काम शुरू से धरातल से काम किया, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने किसानों की, मजलूमों की, दलितों की, शोषितों की हमेशा मदद की है। और मेरी विचारधारा यही रही कि हमेशा मैंने नौकरी में भी गरीबों की और उनकी मदद ली है और मदद की है हमेशा और ईमानदारी से काम किया है। तो और नेताजी हमारे ने भी यही किया है कि उन्होंने हमेशा छोटे गरीबों की मदद की और हमेशा उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं। उनसे बड़ा अच्छा मुझे प्रेरणा मिली है, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने तय कर लिया था कि हम समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे जी। आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं सपा से और समाज सेवा भी करते रहते, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या ऐसे ही चलती रहेगी आपकी समाज सेवा, और तब किस तरह से समाज सेवा करेंगे बिना टिकट के, बिना पद के? देखिए ऐसा है, ये तो लोकतंत्र है मैम, चुनाव लड़ने का और अपना अधिकार मांगने का सभी को अधिकार है। टिकट आवेदन मैंने किया, अगर टिकट पार्टी नहीं भी देती है तो पार्टी जिसको भी चुनाव टिकट देगी मैं उसको चुनाव तन मन धन से लड़ाऊंगा और जी जान से चुनाव जिताने की पूरी कोशिश करूंगा और चुनाव जिताऊंगा जी। जनता जब परेशान होती है तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसका समाधान कैसे करते हैं, कैसे लोगों को परेशानी से निकालने में मदद करते हैं आप? देखिए हमारे यहाँ जनता बहुत गरीब है जी और मोस्टली मिडिल क्लास के हैं, कुछ वैसे लोग हैं, तो वो जब हमारे पास समस्या लेकर आते, मूल ज्यादातर लोगों की समस्याएं पुलिस की रहती हैं, राजस्व विभाग की रहती हैं, इन्हीं समस्याओं में ज्यादा लोग परेशान रहते हैं जी। तो क्योंकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ तो मुझे पुलिस की सारी स्थिति से मैं वाकिफ हूँ और सारी परिस्थितियों को मैं जानता हूँ, उस लिहाज से मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता हूँ, ये मेरे अच्छी तरह ज्ञान है, इसलिए मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। राजस्व विभाग में मैं चूंकि लगातार टच में रहा हूँ, नौकरी के दौरान भी टच में रहा हूँ, तो राजस्व विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं मैं उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करता हूँ,
और 80-90% समस्या उनकी सॉल्व हो भी जाती है। भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला आता है कि किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस स्थिति में आप क्या करते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो खैर इस समय चरम सीमा पे हाई है, हर विभाग में है। किसी एक विभाग के पर्टिकुलर में बात नहीं कर रहा हूँ, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए हमारे उच्च स्तर के नेताओं को, जो भी सरकारें हैं, जो सरकार हमारी आएगी तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छे उस पटल पर रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखूंगा कि इस पर पूर्णतः अंकुश लगाएं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हर विभाग में, मैं किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। ये स्थिति है आज की, अगर कोई आदमी किसी भी विभाग में काम के लिए जाता है तो सबसे पहले डिमांड हो जाती है इस पे। प्रकाश जी, लगातार सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, नकेल कसी जा सके ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है? जब इतना भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है, सख्त नियम के बावजूद भी लोग भ्रष्टाचार करने से डरते नहीं है। देखिए मैडम, जो सख्ती की बात आपने की है तो उच्च स्तर पे अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि एक एक कहावत है पुरानी, आपको पता है, हमको भी पता है कि पानी और बेईमानी हमेशा ऊपर से नीचे चलती, नीचे से ऊपर कभी चली ही नहीं, ये कुदरत की देन है। जी, अगर विकास की बात करें तो आपकी विधानसभा में विकास कैसा देखने को मिल रहा है, कितना विकास हुआ है 5 सालों में? देखिए, हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि हमारे जो विधायक जी है, वर्तमान विधायक है, वो चुनाव के बाद ही एक एक्सीडेंट में अनकॉन्शियस हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना विकास को छो पाया है और ना अभी तक वो पूर्णतया स्वस्थ भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। जी, तो इस ओर कोई ध्यान भी नहीं देता है, अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई कैसे होती है? नहीं, अभी तो कोई सुनवाई करने वाले नहीं, अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी तो पूर्णतया मनमानी कर रहे हैं, सारे विभाग अधिकारी मनमानी को उतारू है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है और न कोई सुन रहा है। जी, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा पहला मुद्दा तो यही है कि हम जनता की सेवा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे और जो भी विकास के काम है उन पर प्राथमिकता देंगे और जो भी हमारी जनता की मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, उन पर मैं पूरा, अगर मौका मिला मुझे तो पूरा खरा उतरूंगा और पूरा प्रयास करूंगा सरकार से कि उस पर पूरा काम कराया जाए और विकास को उच्च स्तर पर ले जाया जाए। जी, हम ये जानना चाहते हैं चंद्रप्रकाश जी कि जिस तरह से टिकट दिया जाता है, आप दावेदारी कर रहे हैं, आखिर आपको क्यों मिलना चाहिए टिकट? आपने ऐसे कौन से काम किए हैं, जनता से आपको कितना प्रेम मिल रहा है? देखिए, टिकट की दावेदारी सभी लोग करते हैं, लेकिन मैंने अपनी दावेदारी इस उद्देश्य से की है कि हम जनता से लगातार जुड़े हुए हैं और मैंने लगातार 3 चुनाव लड़े हैं अभी। एक ग्राम सभा का प्रधान भी मैं हूँ, मेरी मिश्रित जिला पंचायत सदस्य हैं और इनडायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख भी मैंने जीती है। तो जनता का अभूतपूर्व समर्थन मुझे मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है और लगातार आज भी प्यार मिल रहा है। जी, जिस तरह से चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के वादे तो करते चुनाव से पहले, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो चुनाव भी लेकर जीत चुका हूँ, 1 साल होगी लगभग, चुनाव 1 साल होने जा रहा है। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ और जो भी अपेक्षा है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, उनके जो भी काम है उनका पूरा करूँ मैं और हर संभव प्रयास करके उनके काम कराने की कोशिश भी करता हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कई पदों पे हैं आप इस वक्त, तो जनता की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते होंगे, तो इस वक्त आपके कार्यों से कितना सुधार हुआ है आपकी विधानसभा में? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सुधार हुआ है, हमारे साथ जनता लगातार जुड़ रही है और लगातार जुड़ी हुई है, जुड़ भी रही है लगातार जी। और संपर्क में लोग और बहुत सहानुभूत, मुझे हर वर्ग का, हर जात का जी। बहुत से लोग जो प्रत्याशी आवेदन करते हैं, किसी भी पार्टी को, XYZ में किसी का नाम नहीं लूंगा जी। वो एक जात विशेष को लेकर चुनाव लड़ने की अपेक्षा रखते हैं, जबकि मैं सर्व समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे हर जात का समर्थन मिल रहा है और हर धर्म का, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का अपेक्षा है और सभी लोग हमसे लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ पूरी तरह संबंध हमसे जुड़े हुए हैं। जी, आगामी चुनाव को देखते हुए क्या लगता है, इस वक्त मौजूदा सरकार में जितना विकास किया गया है, जितना काम किया गया है, क्या उसके बलबूते मौजूदा सरकार की जीत होगी या फिर जो है सपा की? देखिए, विकास की बात आपने की, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आपने खुद देखा होगा कहाँ विकास हुआ है।
हमारी सरकार ने दावा किया कि गड्ढा मुक्त सड़क हो गई है, कहीं गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई, यहाँ तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं सड़कों पे, सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। हम तो निकलते हैं घूमते हैं लगातार क्षेत्र में घूमते हैं जी। ना कोई और बिजली, हमारे बहुत ही उच्च स्तर के नेता जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस चीज को, अभी कई रैलियों में कहा उन्होंने, बिजली लगातार मिल रही है, जबकि हमारे यहाँ बिजली 12-14 घंटे आ रही है, बिजली मिल ही नहीं रही है लोगों को, बिजली पूरी समस्या है यहाँ, पानी की समस्या है, लेकिन पता नहीं अब कैसे सरकार कह रही, तो कैसे आएगी सरकार अगर इस तरीके से झूठ बोलने से सरकार नहीं आ सकती ना जी। प्रकाश जी, महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? हमारे यहाँ देखिए सबसे पहले समस्या जो मुख्य है महिलाओं की, जो घर घर में घरेलू हिंसाएं आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, मैं मेरे पास जो समस्याएं आती सबसे ज्यादा मियां बीवी झगड़ों का आती है, मैं उनको पूरी तरह समझा बुझा के कोशिश करके समझाता हूँ बुझाता हूँ और घर भेजता हूँ और पूरी उनकी समस्या का ख्याल रखता हूँ। दूसरी बात, चूंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है तो घर में जो गरीब परिवार है उनके पास खाने ओढ़ने पहनने की समस्या है, वो ज्यादातर झगड़े जो है इसी बात को लेकर हो रहे, इसी उत्तेजना हो रही है कि पूर्णतया लोग अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे महंगाई की वजह से। महंगाई सबसे मूलभूत समस्या है इस समय जी। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए महिलाओं शिक्षा के लिए तो मैं पहले जागरूक हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, मेरे अपने मेरे ग्राम सभा में और क्षेत्र में कई स्कूल है, उनके स्कूल मैंने बहुत डेवलप किया है, स्कूल में पूरा काम करा रहे हैं हम और जनता को लगातार प्रेरित कर रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं गाँव गाँव जाके और लोगों को इस बात में पूर्णतया प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना जल्दी मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा दें, अगर लड़की शिक्षित होगी तो अच्छे घर में जाएगी, अच्छे काम करेगी, समझदारी से काम करेगी, झगड़े फसाद नहीं होंगे, जब लड़की पढ़ी लिखी होगी तो नेचुरल है कि वो झगड़ा फसाद नहीं और समझदारी से काम लेगी और परिवार को पूरी तरह से आगे बढ़ाएगी जी। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश में रोजगार की मांग उठ रही है, लेकिन अगर छोटे छोटे क्षेत्र में रोजगार दिया जाए तो पूरा देश रोजगार की इस कमी से मुक्त हो जाएगा। अब हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, तो रोजगार के अवसर के लिए क्या करेंगे आप? रोजगार के लिए मैम ऐसा है कि रोजगार के लिए सरकार ने कोई सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किए हैं, अगर सार्थक प्रयास किए जाते हैं तो शायद रोजगार की समस्या बहुत कुछ कम हो सकती थी। फर्जी आंकड़े दिखाने से और झूठ बोलने से कभी रोजगार समाप्त नहीं होगा। हमारा नौयुवा जो है इस समय पूर्णतः परेशान घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, दर दर भटक रहा है और उसका एक कारण ये हो रहा है, नौयुवा जो है जो भटक भी गया है, इस रास्ते से भटक गया है, क्राइम की दुनिया में मैंने देखा है नौयुवा केवल पैसे के अभाव में और रोजगार न मिलने का अभाव में अपराधिक दुनिया में चले गए और उनको बहुत बड़ा सजा भुगतनी पड़ रही है। तो मैं तो यही कहूंगा इस संबंध में कि हमारा रोजगार को सबसे सर्वप्रथम हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये चीज अपने एजेंडे में रखी भी है, उन्होंने कहा भी है कि हम ज्यादा 10 लाख रोजगार एक साल में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद भी है मुझे, क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा हैं और युवाओं की समस्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा आशा है कि वो इस समस्या को समाधान करने में सक्षम है जी। जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार हर पार्टी रैली कर रही, जनसभाएं कर रही है, कोरोना का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दमखम दिखाने के लिए लगातार भीड़ जुटा रही है, इससे जनता की जान को खतरा है, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए क्या इसी तरह से जनसभाएं और रैलियां करते रहेंगे, सपा की तरफ से भी होती रहेगी आयोजित, या फिर जनता के बारे में सोचेंगे और कोई अलग रास्ता निकालेंगे? मैम क्वेश्चन रिपीट करिए जरा, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया जी। प्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से चुनावी माहौल है, रैलियां जनसभाएं हो रही, भीड़ जुटाई जा रही है, जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, कोरोना का खतरा बना हुआ है, तो क्या अभी भी ये कदम उठाए जाएंगे, भीड़ इकट्ठा की जाएगी जनता के बीच जाके कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है उसको और फैलने दिया जाएगा, या कोई और रास्ता निकालेंगे? देखिए ऐसा है, कोरोना का संकट तो है ही है, संपूर्ण देश में है और बाहर भी है, अदर देशों में भी है जी। अदर कंट्री में कोरोना फैल रहा है बहुत ज्यादा, तो इस पर तो हमको लगना ही चाहिए। मैं तो इसके लिए सरकार से भी कहूंगा और सबसे कहूंगा मैं और जनता से भी इस चीज में कहता हूँ, थोड़ा इस पर संयम करते हैं और सभी लोगों के लिए है, तो ये तो सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए ना, किसी एक पार्टी पे प्रचार कैसे करेंगे जनता के बीच नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे, क्या नीति अपनाएंगे? देखिए जनता के बीच जाए प्रचार करने के और भी तरीके हैं बहुत से, आप जाएंगे पूरे भीड़ लेके कोई जरूरी नहीं है, सिंगल के जाके जा सकते हैं आप, अपने कर्मचारी लगा सकते हैं, अपने आप कार्यकर्ता हैं आपके पास इतने ज्यादा, उनको लगाइए, उनके माध्यम से करिए और प्रचार प्रसार के तमाम तरीके हैं, वर्चुअल रैली कराइए
वर्चुअल सोशल मीडिया के माध्यम से कराइए, सोशल मीडिया से लोगों जुड़िए। ये तमाम और भी साधन है, अब तो नया युग है, युग में तमाम संसाधन ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि आप भी डिजिटल माध्यम को चुनेंगे और जनता के बीच ज्यादा भीड़ नहीं जुटाएंगे। हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय अखिलेश जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनका संदेश यही है, तो आपके चैनल माध्यम से मैं यही कहूंगा, उनकी नीतियों को और सिद्धांतों को आप जनता तक पहुंचा दें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और इसका मैं आपका आभारी रहूंगा, आपके चैनल का आभारी रहूंगा कि आप इसके संदेश को, हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर, इस चर्चा में हमारे साथ औरैया से ग्राम प्रधान प्रकाश चंद्र यादव जी जुड़े थे। तो लगातार अपनी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश में सभी जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं और हमारे साथ भी सपा से प्रकाश चंद्र यादव जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।